कोटा एसीबी की टीम ने शुक्रवार देर रात को बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय के लेखा प्रबंधक महेंद्र कुमार मालीवाल को 50,000 रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने गाड़ियों के टेंडर के बिल पास करने की एवज में परिवादी से 1,30,000 रूपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसका सत्यापन होने के बाद टीम ने आरोपी महेंद्र को 50,000 रूपए की रिश्वत के साथ ट्रिप कर लिया। इस पूरे मामले में सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर की भूमिका भी सामने आ रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्र सिंह ने बताया कि परिवादी अविनाश ने एक परिवाद दिया था, जिसमें बताया था कि उसकी गाड़ियां कोविड संक्रमण के दौरान कार्यालय में लगी हुई है, जिसके बिल का भुगतान करने की एवज में सीएमएचओ ने कमीशन मांगा, साथ ही धमकी दी कि वो टेंडर कैंसिल कर देगा। ऐसे में दोनों के बीच लेखा प्रबंधक महेंद्र कुमार मालीवाल ने लेन देन की बात करवाई, जिस पर टीम ने महेंद्र को 50,000 रूपए की रिश्वत के साथ दबोच लिया। आरोपी ने ये राशि सीएमएचओ के लिए लेना बताया। सीएमएचओ कोटा द्वारा उसकी गाड़ियां जो लगी हुई हैं सीएमएचओ ऑफिस में, उनकी बिल को पास करने के एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं, रिश्वत मांगी जा रही है। इस मांग का सत्यापन किया गया तो इसे सही पाया गया। उसके द्वारा महेंद्र मालीवाल जो जिला लेखा मैनेजर है एनआरएचएम का, उनके द्वारा पैसे मांगा जाना प्रमाणित हुआ। 1,30,000 की रिश्वत में से 80,000 की रिश्वत उन्होंने पहले प्राप्त कर ली थी और 50,000 की जो बाकी रिश्वत है उसके लिए इन पर दबाव डाल रहे थे। इस पर हमने आज ट्रैप का आयोजन किया और ट्रैप के आयोजन में महेंद्र मालीवाल को श्री हर्षराज और उनकी टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है। इनसे पूछताछ जारी है। महेंद्र मालीवाल का जो मकान है वहाँ पर हमारी दूसरी टीम तलाशी ले रही है। प्रथम दृष्टया सीएमएचओ द्वारा चूँकि बिलों को पास किया जाता है, इनके द्वारा ही पैसे की मांग हमारे सत्यापन में आई थी, किंतु जो माध्यम है वो महेंद्र मालीवाल थे। दूसरी बात है कि जो पूछताछ में ट्रैप के बाद भी महेंद्र मालीवाल ने सीएमएचओ द्वारा पैसे प्राप्त किया जाना बताया है, तो ये समस्त जो हमारे पास प्रथम दृष्टया जो सबूत आए हैं उनके आधार पर इनकी भूमिका संदिग्ध है, अनुसंधान के दौरान इसकी। ऐसे में अब सीएमएचओ की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।